अलीगढ़ के जिलाधिकारी अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। शनिवार को मालवीय पुस्तकालय पहुंचे, जहां तैयारी कर रहे छात्रों के साथ वार्तालाप किया। इस दौरान छात्रों के लंच बॉक्स का स्वाद चखा, साथ ही छात्रों को सफलता के टिप्स भी दिए और उनके साथ फोटो खिंचवाई। जिलाधिकारी ने छात्रों को एकाग्रचित होकर अध्ययन करने की नसीहत दी, साथ ही नियमित योग और प्राणायाम की सलाह दी। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह मालवीय पुस्तकालय में संचालित मार्गदर्शिका कोचिंग के UPPCS में कामयाब 6 छात्रों को सम्मानित करने पहुंचे थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को कहानी सुनाकर ज्ञान दिया। DM ने तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के स्मरणों उदाहरणों के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के गुरु मंत्र सिखाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में निरंतरता का अपना विशेष महत्व है। निरंतर प्रयास के लक्ष्य को आसानी से भेदा जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जीत सदैव कछुए की ही हुई है। तो बीइंग ए खरगोश, तुम्हें सोने का लायक नहीं है मेरे बच्चे। अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनो। खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ हार जीत गया, खरगोश सो गया, क्योंकि खरगोश सो गया था तो वो हार। उन्होंने अभ्यर्थियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रिक्त पदों की चिंता किए बिना पूरी तन्मयता, लगन, एकाग्रचित होकर निरंतरता के साथ अध्ययन करें, सफलता अवश्य कदम चूमेगी। परीक्षा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सपने छोटे और बड़े होते हैं। उन्होंने असफल होने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि यदि आप लक्ष्य नहीं भेज सके तो अपने आप को असफल मत समझिए। जीवन बहुरंगी होता है, उसे खुलकर जियो। जिंदगी हमको हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास करते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति विशिष्ट है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो अपनी विशिष्टता के अनुरूप हम उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे और हमारे मन में नैराश्य नहीं आएगा, निराशा नहीं आएगी असफलता होने के बावजूद। उस नज़रिए से मेरा ये कहना है इन बच्चों से, इन युवाओं से, कि अपने को कॉमन मत समझो। आप सब विशिष्ट हो, उसी प्रकार से विशिष्ट हो जैसे कि हस्ताक्षर हर व्यक्ति का अलग होता है, विशिष्ट होता है। तो तुम सब इस पृथ्वी पर, इस नेचर पर, इस क्रिएशन पर ईश्वर का हस्ताक्षर हो। जब आप इस बात को समझ लोगे तो अपनी विशिष्टता समझ लोगे, अपनी ताकतें पहचान लोगे और जो आप हासिल करना चाहते हो जरूर हासिल करोगे। और किन्हीं कारणों में अगर वो हासिल नहीं कर पाते तो भी आपके अंदर इतनी सिफत आ जाएगी, इतनी योग्यता आ जाएगी कि जीवन में आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में ही जाना जाएगा। कि आज ये अवकाश का दिन था, द्वितीय शनिवार है और आज यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में बच्चे दिख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए मालवीय पुस्तकालय कैंपस में आते हैं और तैयारियाँ करते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भवन में 2 वाचनालय हैं और वहाँ भी आपको बड़ी संख्या में लड़के लड़कियाँ मिलते हैं। ये न केवल प्रशासनिक नौकरियों के लिए प्रयासरत हैं बल्कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नौकरियों के लिए भी ये स्वयं आते हैं, अपना भोजन घर से लाते हैं और यहाँ पर तैयारी करते हैं। इनको कुछ अधिकारी गाइड करते हैं और उसके गाइडेंस के परिणाम स्वरूप ये जो यहाँ का कोचिंग सेंटर है इसमें से इस बार 5 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में। आज उनके सम्मान के लिए आयोजित किया गया समारोह था जिसमें आने वाले समय में जो अन्य बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं विभिन्न सर्विसेज के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए और उनके मनोबल को गिरने से बचाने के लिए, उनके मन में जो आशंकाएं होती हैं करियर निर्माण को लेकर, उसके दृष्टिगत यह संवाद की पाठशाला या कह लें कार्यशाला रखी गई थी। और मुझे खुशी है कि इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हम लोग समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं, कोशिश होगी आगे भी आएं और इन बच्चों का मार्गदर्शन करें। हम प्रतीक्षा कटारा है, मेरा पद नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। मैंने 2021 से तैयारी स्टार्ट की थी और CSM के जो आदरणीय पंकज सर हैं मैं उनको श्रेय देना चाहूँगी और राजवीर सर, रिंकू भैया, ये सभी जो लोग हैं और मेरे माता पिता और जो भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको इनका श्रेय देना। आप इस मुकाम पर पहुंचे तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।